हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। नमस्ते फ्रेंड्स, ये चैनल के थ्रू हम एक नई क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए जोश और जुनून के साथ बहुत कुछ करने वाले हैं। आज ये वीडियो में मैं आपको अपने बारे में और अपने लक्ष्य, अपने हेतु, ध्येय के बारे में बताना चाहूँगा, अपने विजन और मिशंस के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है नकुल गोधेत्रा, मैं एक ऑप्टिशियन हूँ, पिछले कई सालों से यही फील्ड में हूँ और मैं सूरत गुजरात से हूँ। अब मैं बात करूँ अपने विज़न के बारे में, अपने हेतु के बारे में, अपने ध्येय के बारे में। तो मेरा ये ध्येय है कि जो भी आईवेयर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं लोग, यानी कि चश्मे बनवाते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस बनवाते हैं, उन सबको मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में उनके घर तक डिलीवर करूँ। ऐसा हार्डली मेरे को 2015 से लगा कि मुझे कुछ अपने देश के लिए और जो भी लोग चश्मे पहन रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये ध्येय मेरे मन में बना क्यों और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ये बहुत पहले की बात है, जब हम करीबन 9वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे, मैं और मेरी सिस्टर, और मेरे पापा ऑटो ड्राइवर थे। जब वो मेरी सिस्टर को चश्मे है तो उनके जो चश्मे बनवाने गए तो वो चश्मे 1500 रुपये का बना। वो उसमें लगा था हार्डकोट शीशा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनता है, बनता है इतना महंगा चश्मा, लेकिन जो उसमें लगा था ना हार्डकोट शीशा, वो ये फील्ड में आने के बाद में पता चलता है कि हार्डकोट शीशा क्या होता है। आप शायद चश्मा पहन रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि हार्डकोट शीशे की क्या वैल्यू होती है और उसका कितना पैसा होता है। तो तभी वो 1500 का लगा, तब मेरे मन में फर्स्ट क्लिक हुआ, एक डॉट पड़ा कि कहीं ना कहीं ये फील्ड में कुछ है, या तो कुछ लोग हैवी चार्ज कर रहे हैं। फिर सेकंड मैंने पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट किया, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में होगा और मैंने अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी खासी इनकम और अर्निंग कर रहा था मैं। तब मेरे फादर जो चश्मे बनवाने के लिए ऑप्टिशियन के पास गए और उनका चश्मा 4,4200 करीब कुछ बना, वो भी हार्डकोर प्रोग्रेसिव लेंस में, जो कि एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव होता है, शायद बनना चाहिए वो 2500 से 3000 करीब, लेकिन वो समय में बिना सर्टिफिकेट का वो चश्मा बना 4000 रुपये से 4500 रुपये करीब। तो मेरे मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे करना है तो आगे यही फील्ड में कुछ करना है और आगे जाना है, और मुझे कुछ ना कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई तभी, और मैं ये फील्ड में आया। मैंने शॉप किया, आज मेरी 2 शॉप है और मैं छोटा मोटा होलसेल का भी बिजनेस कर रहा हूँ अपना। ये फील्ड में आने के बाद में मैंने जाना कि ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मिडिल क्लास फैमिली को अड़चन रूप है या उनको एक तकलीफ़ दे रही है। मैंने मेरे ऐसे कस्टमर भी देखे हैं जो दीपावली में अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए कपड़े नहीं परचेस कर पाते, तो वह चश्मे कैसे परचेस कर पाएंगे? क्या वो साफ सुथरी दुनिया चश्मे से नहीं देख पाएंगे? इतना एक्सपेंसिव ना होने के बावजूद भी लोगों ने इसको इतना एक्सपेंसिव क्यों करके रखा है? ये सारी बातें हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, और इससे मेरा ध्येय और लक्ष्य बना कि मुझे एक बेस्ट प्रोडक्ट सही प्राइस में लोगों के घर तक डिलीवरी करना है। आज मैं देखता हूँ तो बड़े चैनल स्टोर या बड़े ऑप्टिकल कंपनियां, बड़ी बड़ी दुकानें कस्टमर को लैक ऑफ नॉलेज के कारण, यानी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट का नॉलेज ना होने के कारण उसके पास से बहुत पैसे ले लेती है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक प्रकार का एक नॉन ब्रांड को ब्रांड बना के उसको बेचे जाते हैं। ये सब के हिसाब से, ये सब देख के मेरे मन में 2015-14 से एक विज़न ने एक आकार लिया, और आज मैं आपको, आपके सामने वो विज़न और मेरा विज़न रखने जा रहा हूँ। मेरा विज़न बस इतना ही है कि मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से माल परचेस करूँ, फ्रेम परचेस करूँ, और जो भी मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है उनके बच्चों के लिए, उनके लिए मैं कुछ करूँ, उनके घर तक मैं अपनी प्रोडक्ट पहुँचाऊँ और एकदम रिजनेबल प्राइस में। तो यही मेरी ध्येय और यही मेरी उम्मीद है कि
कि मैं कुछ अपने देश के लिए अपनी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बात करूँ कि ये चैनल में हम आगे कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम ये चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियो के कोई भी प्रोडक्ट की आपको सही नॉलेज दी जाएगी, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपका काम के हिसाब से आपको कौन से शीशे पहनने चाहिए, कौन से कॉन्टेक्ट लेंस का यूज़ करना चाहिए, फ्रेम हमें कौन सी पसंद करनी चाहिए, ये सब बातें हम यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो में जानेंगे। अवेयरनेस का भी यहाँ पे एक कैंपेन चलाएंगे, लोगों को हम अवेयर करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए सही है और कब तक पैसे उनको खर्च करने चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे शीशे रहते हैं, बहुत सारी फ्रेम रहती है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन उनको सही नॉलेज रहेगी तो उनको पता चलेगा कि आज कोई भी दुकान पे जाए तो उनको कब तक की प्रोडक्ट लेनी है ताकि उनका जो वर्क है उनको सेटिस्फेक्शन कर पाए, उसको एक सही तरह से कंप्लीट कर पाए। तो ये बात हम सब आगे वीडियो में करते रहेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं आशा रखता हूँ कि वो ये वीडियो को अपने फैमिली, अपने ग्रुप और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग चश्मे पहन रहे हैं उनको सही मायने में उनकी हेल्प हो सके और एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बन सके यूट्यूब पर, और एक दूसरे से जोड़कर हम एकदम कम बजट में लोगों की हेल्प कर सके। मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लाइफ में कुछ कर सकूँ। ये कुछ करने के लिए मैं अकेला नहीं कुछ कर सकूँगा, उन सब में आप सबकी भी ज़रूरत होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।